दिल्ली में मास्क नहीं पहनने पर जुर्माने की रकम बढ़ाई गई। अब 500 रुपए की जगह लगेगा 2000 रुपए का जुर्माना। केजरीवाल सरकार का फैसला। केजरीवाल सरकार ने कहा, दिल्ली में काफी लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, कई बार सख्ती बरतनी पड़ती है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर बिना मास्क पहनने वाले लोगों के चालान काटे गए। जुर्माने की रकम को लेकर बहस करते दिखे लोग। मास्क ठीक से नहीं पहनने पर डीएनडी पर काटा गया चालान। फिलहाल 500 रुपए का ही कट रहा है चालान। मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना बढ़ाने का दिल्ली में के ओखला मंडी में नहीं दिखा कोई असर। कुछ लोग बिना मास्क के नजर आए तो कुछ कैमरा देखकर मास्क पहनते नजर आए। ओखला मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का भी नहीं हो रहा है पालन। बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं, अजीबोगरीब दलील दे रहे हैं। दिल्ली के चांदनी चौक मार्केट में भी जुर्माने का नहीं दिखा ज्यादा असर। बिना मास्क के लोग नजर आए, लेकिन मास्क पर बड़े जुर्माने को उन्होंने सही बताया। दिल्ली में एक दिन में 98 लोगों ने दम तोड़ा। 7,546 नए पॉजिटिव केस सामने आए। दिल्ली के सभी प्राइवेट अस्पतालों में 80% आईसीयू बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व। फैसले से 300 से 400 अतिरिक्त बेड होंगे उपलब्ध। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक 90 प्राइवेट अस्पतालों को आदेश दिया गया 50% की जगह 60% बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व रखें। गृह मंत्रालय ने छतरपुर के राधा स्वामी सत्संग व्यास के आश्रम में बने कोविड केयर सेंटर की क्षमता को बढ़ाया। 500 आइसोलेशन बेड को ऑक्सीजन बेड में यहां पर तब्दील किया गया। नवंबर के अंत तक दिल्ली में एक दिन में 7,000 आरटीपीसीआर टेस्ट करने का टारगेट। गृह मंत्री ने दी जानकारी। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर दूसरे दिन रैंडम टेस्ट में 9 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बॉर्डर के अलावा 2 मेट्रो स्टेशन पर 178 लोगों का टेस्ट हुआ। अहमदाबाद में आज से नाइट कर्फ्यू। रात 9 बजे से 23 नवंबर तक सुबह 6 बजे तक लगा रहेगा नाइट कर्फ्यू। केवल दूध और दवा की दुकानें खुली रहेंगी। अहमदाबाद प्रशासन ने पहले कहा था कि शुक्रवार रात 9 बजे से अगले आदेश तक लागू रहेगा नाइट कर्फ्यू। बाद में दी गई सफाई, केवल 57 घंटे का ही होगा नाइट कर्फ्यू। गुजरात सरकार ने स्कूल और कॉलेज फिर से खोलने का फैसला भी टाला। राज्य में 23 नवंबर से खुलने वाले थे स्कूल और कॉलेज। गुजरात में 1,340 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए, 7 लोगों की मौत की खबर। इंदौर के आनंद ज्वेलरी शोरूम के 31 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। शोरूम को 7 दिन के लिए बंद किया गया। आनंद ज्वेलरी शोरूम के करीब एक तिहाई कर्मचारियों में कोरोना की पुष्टि हुई। पिछले 10 दिन में शोरूम आए लोगों के बारे में डिटेल्स मांगी गई। उज्जैन में गुरुवार से मास्क नहीं पहनने वालों पर कार्रवाई। 10 घंटे के लिए भेजा जाएगा अस्थायी जेल। दिल्ली से लौटे लोगों का चंडीगढ़ में हो रहा है टेस्ट। लोगों से कम 6 फीट की दूरी बनाने की सलाह। दिल्ली में बस या ट्रेन के जरिए लखनऊ पहुंचने वालों का भी हो रहा है रैंडम कोरोना टेस्ट। बस अड्डे और रेलवे स्टेशन पर टीमें तैनात। यूपी के शामली में कोरोना का डोर टू डोर सैंपल इकट्ठा करने के लिए टीम जो गई थी उस पर हुआ हमला। एक शख्स ने ड्राइवर को डंडे से पीटा। शामली में हमले के बाद महिला डॉक्टर ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। वीडियो वायरल होने के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। देश में एक दिन में कोरोना के 45,800 नए मामले सामने आए। 584 संक्रमितों की मौत हुई। देश में एक दिन में कोरोना से 44,000 से ज्यादा लोग रिकवर भी हुए। एक्टिव केस की संख्या 4,43,000 के पार। देश में अब तक कोरोना के 12,95,00,000 से ज्यादा सैंपल्स की जांच की गई। गुरुवार को 10,83,000 से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का दावा, 2 महीने में आ सकती है कोरोना की वैक्सीन। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को आज अम्बाला कैंट के अस्पताल से मिलेगी कोरोना वैक्सीन की डोज। कोवैक्सीन के तीसरे फेज का ट्रायल आज से हो रहा है शुरू। केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा कोरोना संक्रमित पाए गए, खुद को आइसोलेट किया। संपर्क में आए लोगों को एहतियात बरतने की अपील करते नजर आए। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 5,535 नए कोरोना के मामले सामने आए। महामारी से 154 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 2,586 नए मामले सामने आए, 39 लोगों की मौत हुई। केरल में कोरोना के 5,722 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में 26 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई। 8 महीने बाद इंदौर में सुनाई दी धुन। राष्ट्रीय गीत की धुन पर सांसद शंकर लालवानी ने बजाया बैंड। लालवानी की पहल पर सीएम ने बैंड बजवाने की दी थी इजाजत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट, बहुत जल्द आ रही है कोरोना वैक्सीन। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सत्ता संभालने के बाद अमेरिका में लॉकडाउन से किया इनकार, कहा होगा इसका उल्टा असर। छठ पर्व के तीसरे दिन देश भर में आज अस्त होते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ। कोरोना की वजह से दिल्ली में यमुना घाट पर पूजा की इजाजत नहीं। छठ पूजा पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी दी बधाई, कहा कोरोना का ध्यान रखना बेहद जरूरी और इसी को ध्यान में रखते हुए मनाएं त्योहार। मुंबई में जुहू बीच पर छठ की कोई तैयारी नहीं। बीएमसी ने मुंबई में समंदर किनारे छठ पर लगाई है रोक। पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में भी सार्वजनिक जगहों पर छठ का त्यौहार मनाने पर रोक। दीपावली के बाद कोरोना के केस में आई है तेजी। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद, वैदिक मंत्रोच्चार के बीच बंद किया गया मंदिर। केदारनाथ मंदिर पहले ही हो चुका है बंद। पाकिस्तान में हाफिज सईद को 10.5 साल की सजा सुनाई गई। संपत्ति जब्त करने का आदेश। टेरर फंडिंग मामले में अदालत ने सुनाया फैसला। अब्दुल रहमान मक्की को 6 महीने की सजा सुनाई गई। जमात उतदावा का सेकंड इन कमांड है मक्की। एनआईए ने नगरोटा के एनकाउंटर साइट का दौरा किया। एनआईए ने हमले की जांच शुरू की।
नगरोटा एनकाउंटर पर बोले आर्मी चीफ एमएम नरवणे, कहा लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करने वाला हर आतंकी मारा जाएगा। आतंकवादियों की मदद करने को लेकर भारत की पाकिस्तान को चेतावनी, विदेश मंत्रालय का बयान, घुसपैठ की साजिश में शामिल न हो पाकिस्तान। भारत चीन तनाव के बीच मालाबार एक्सरसाइज के फेज टू का आखिरी दिन आज, विक्रमादित्य पर MiG-29 और निमित्स में F-18 जैसे लड़ाकू विमानों ने अपना दम दिखाया। विक्रमादित्य और निमित्स पर तैनात लड़ाकू विमानों के जरिए अभ्यास। अरब सागर में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं कर रही हैं युद्धाभ्यास। एयरफोर्स चीफ RKS भदौरिया ने वेस्टर्न एयरबेस का दौरा किया। वायुसेना की तैयारियों को लेकर दो दिन के दौरे पर हैं भदौरिया। यूपी के प्रतापगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा, बारातियों से भरी बुलेरो गाड़ी ट्रक से टकराई। हादसे में 6 बच्चे समेत 14 लोगों की मौत हुई। प्रतापगढ़ हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख व्यक्त किया। वरिष्ठ अधिकारियों को पीड़ित की मदद के निर्देश दिए। कानपुर के बाबूपुरवा इलाके में ब्रेक फेल होने के बाद बेकाबू हुई सरकारी बस, 1 की मौत, 3 लोग घायल। यूपी में वक्फ बोर्ड की अवैध रूप से खरीदी और बेची गई संपत्तियों की जांच शुरू हुई। CBI ने वक्फ के पूर्व चेयरमैन और अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की। CBI की लखनऊ यूनिट पूरे मामले की जांच करेगी। यूपी सरकार ने वक्फ बोर्ड की गैरकानूनी संपत्ति की CBI जांच कराने की मांग की थी। 18 नवंबर को मिली मंजूरी। 15वें G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सऊदी अरब की अध्यक्षता में 21 और 22 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा सम्मेलन। PM मोदी ने बंगलुरु टेक समिट 2020 का किया उद्घाटन। बोले टेक्नोलॉजी ने तेजी से बदली लोगों की जिंदगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिनाई उपलब्धियां। बोले तकनीक की वजह से गरीबों को तेजी से मिली मदद। लग्जमबर्ग वर्चुअल समिट में शामिल हुए PM मोदी। 3 करार पर हस्ताक्षर। कारोबार और बिजनेस में सहयोग बढ़ाने को लेकर बनी सहमति। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की लिखी 2 किताबों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विमोचन किया। दोनों किताबों में राष्ट्रपति की स्पीच का संग्रह। पदभार ग्रहण करने के 4 दिन के अंदर बिहार के शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया। मेवालाल चौधरी पर भ्रष्टाचार के लगे हैं आरोप। मेवालाल चौधरी को मंत्रालय संभालने के कुछ ही घंटे के अंदर देना पड़ा इस्तीफा। शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने की कही थी बात। मेवालाल चौधरी के इस्तीफे के उनके समर्थकों को निराशा उस इस्तीफे से हुई। बधाई देने पहुंचे लोग अपना गुलदस्ता रखकर वापस लौटे। तेजस्वी यादव ने मेवालाल चौधरी के इस्तीफे को बताया नाटक। पूछा, आपने मेवालाल को मंत्री ही क्यों बनाया? क्या असली गुनहगार नीतीश है? तेजस्वी ने कहा, महज एक इस्तीफे से बात नहीं बनेगी। अभी 19 लाख संविदा नौकरियों समेत कई मुद्दों पर मिलेंगे मौके। सुशील कुमार मोदी ने तेजस्वी से मांगा इस्तीफा। कहा, खुद IRTC घोटाले में जमानत पर है। जीतनराम मांझी ने बिहार असेंबली के लिए प्रोटेम स्पीकर पद की ली शपथ। 23 नवंबर से शुरू होगा विधानसभा का सत्र। इंडिया TV के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा फिर NBA के अध्यक्ष चुने गए। NBA की बोर्ड मीटिंग में सर्वसम्मति से हुआ फैसला। कांग्रेस नेता रवि राजा का बयान, कांग्रेस अकेले लड़ेगी BMC का चुनाव। महाराष्ट्र सरकार ने शिवसेना और NCP के साथ है कांग्रेस। मुंबई के बांद्रा में कराची स्वीट्स के मालिक ने पेपर से ढका दुकान का नाम। शिवसेना नेता ने 15 दिन में नाम बदलने की दी थी धमकी। नितिन नंदगावकर का धमकी वाला वीडियो वायरल हुआ। नाम बदलकर मराठी स्वीट्स करने की दे रहे हैं चेतावनी। शिवसेना नेता संजय राउत ने पूरे विवाद से पल्ला झाड़ा। कहा, कराची स्वीट्स को नाम बदलने को कहा शिवसेना का स्टैंड नहीं। मुंबई में 60 साल से है कराची बेकरी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल धनखड़ ने ब्लास्ट को दिया सियासी रंग। ममता सरकार से अवैध बम निर्माण पर रोक लगाने और निष्पक्ष जांच की मांग की। पश्चिम बंगाल के कूचबिहार में भी BJP और TMC के कार्यकर्ता आपस में भिड़े। कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में BJP ने 12 घंटे का बंद बुलाया था। पश्चिम बंगाल के मालदा के सुजापुर में प्लास्टिक फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ। 6 मजदूरों की मौत हुई। ब्लास्ट के कारण फैक्ट्री के बिल्डिंग भी उड़ी। महाराष्ट्र के मंत्री असलम शेख का केंद्र पर आरोप। कहा, BJP सरकार में CBI नहीं बना पाई दुकान। शिवपाल सिंह यादव भी अखिलेश पर नरम पड़े। कहा, 2022 में BJP को हराने के लिए अखिलेश यादव से करेंगे गठबंधन। पंजाब के CM कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे से ED ने फिर की पूछताछ। रणिंदर सिंह से जालंधर में सवाल जवाब। कहा, छिपाने के लिए कुछ नहीं। रीता बहुगुणा जोशी और राज बब्बर समेत 9 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का कोर्ट का आदेश। 2015 में प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ का मामला। मध्य प्रदेश के कंप्यूटर बाबा जेल से हुए रिहा। 12 दिनों बाद जेल से मिली कंप्यूटर बाबा को रिहाई। यूपी में लव जिहाद का मामला सामने आया। डॉक्टर ने पहचान छिपाकर नर्स से की दोस्ती और फिर बनाए संबंध। बिहार के वैशाली में छठ घाट बनाने को लेकर 2 गुटों में झड़प हुई। मारपीट में 1 दर्जन लोग जख्मी भी हुए। मेरठ के सरधना में पानी भरने को लेकर हुए विवाद में 2 पक्षों में मारपीट। पथराव और फायरिंग में दर्जनों लोग जख्मी हुए। लखनऊ में बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान हर्ष फायरिंग करने वाला युवक गिरफ्तार हुआ। अब तक 2 आरोपी पकड़े गए। वीडियो हुआ था वायरल। लखनऊ में ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह नाम के शख्स ने रोड पर मनाया था बर्थडे। चाकू की जगह तलवार से काटा था केक।
मेरठ में पूर्व विधायक गोपाल काली के खिलाफ मामला दर्ज, पटाखे बैन होने पर हवा में फायरिंग कर मनाई थी दीपावली। गुरुग्राम में दिवाली की रात महिला की हत्या की गुत्थी, पुलिस ने सुलझाई। हत्याकांड में शामिल तीन बदमाश गिरफ्तार, रोड रॉबरी और स्नैचिंग की 100 से ज्यादा वारदातों में शामिल। यूपी के मुरादाबाद में प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई, धान खरीद सेंटर पर 3 दिनों से नहीं मौजूद हैं कर्मचारी, किसानों को हो रही है दिक्कत। हरियाणा के सिरसा में साइबर फ्रॉड करने वाले 2 गैंग का खुलासा हुआ, हिरासत में 11 लोग। DRI ने 2 ट्रक से 66 किलो वजन के 400 गोल्ड बार जब्त किए। म्यांमार बॉर्डर से लाया जा रहा था सोने की कीमत 35 करोड़ रुपए। तमिलनाडु के त्रिची में डुप्लीकेट टीवी कारोबार का भंडाफोड़ हुआ, पुलिस ने 150 से ज्यादा डुप्लीकेट टीवी जब्त किए। कर्नाटक के कलबुर्गी में सोना चोर गिरफ्तार, 8 लाख से ज्यादा के जेवर बरामद किए गए। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब हुई, कई इलाकों में AQI 291 पर पहुंचा। उड़ीसा के भद्रक समेत कई जिलों में छाया घना कोहरा, मौसम विभाग ने 7 जिलों में अलर्ट जारी किया, येलो अलर्ट यहां पर जारी किया गया। तमिलनाडु के धर्मपुरी में पांचपल्ली गांव में 16 घंटे बाद हथिनी का रेस्क्यू किया गया, कल कुएं में गिरी थी हथिनी। पाकिस्तान के कट्टर इस्लामी संगठन TLP के प्रमुख हुसैन की मौत हुई, भारत को दी थी गीदड़ भभकी। काबुल दौरे पर पहुंचे पाकिस्तान के PM इमरान खान, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अब्दुल गनी से की मुलाकात। अमेरिका के न्यूयॉर्क में अभिभावकों ने शुरू किया सिग्नेचर कैंपेन, स्कूल बंद करने के फैसले का किया विरोध। न्यूयॉर्क में नर्सों ने भी किया प्रदर्शन, PPE किट की कमी का आरोप लगाते हुए मार्च निकाला। इजरायली सेना ने साउथ लेबनान में गिराए बम, घुसपैठ की संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए कार्रवाई की गई। और ICC के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के नियम बदलने से टीम इंडिया को झटका लगा, रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचा ऑस्ट्रेलिया।